गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिल्वर बेल स्कूल मानसरोवर पालनपुर। आई एम योर मैथ्स टीचर शीतल मिस। इन लास्ट वीडियो वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर 5 एंड टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर 6। द नेम इज द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्राइंगल तो आप लोगों को आता ही होगा। इन 6th स्टैंडर्ड वी लर्न अबाउट ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। तो बेस्ड ऑन साइड्स, अगर कोई भी ट्राइंगल है तो उसकी साइड्स देख के हम उसका नाम बताते थे ना। 6th स्टैंडर्ड में क्या तीन तरह के नाम होते थे, कौन से होते थे? स्केलेन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। याद है आपको, अगर उसकी सारी साइड का मेजरमेंट अलग अलग होता था तो वो स्केलेन ट्राइंगल, अगर दो साइड इक्वल होती थी तो आइसोसेलेस, और सारी तीनों तीन साइड इक्वल होती थी तो उसको बोलते थे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। उसके बाद दूसरे तरीके से हम कैसे उसको नाम देते थे कोई भी ट्राइंगल को, तो बेस्ड ऑन एंगल्स, अगर उसके एंगल देखते तो हम उसको नाम देते थे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब उसके सारे एंगल्स एक्यूट होते थे तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अगर उसके तीनों एंगल में से एक भी एंगल ऑब्ट्यूज होता था, ऐसे 90 डिग्री से बड़ा होता था तो उसको बोलते थे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और एक भी एंगल राइट एंगल होता था इस तरह से तो उसको बोलते थे राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपको याद कर देना है वापस। और देखो ये ट्राइंगल्स जो दिए ना, क्या दिया है? 6 ट्राइंगल्स दिए, तो उसको हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, उसके नाम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन साइड्स, इसकी सबकी साइड देख के हम उसका नाम देते हैं। 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, दो साइड इक्वल है तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर 10 8 6, तीनों अलग मेजरमेंट है तो ये हो गया स्केलेन ट्राइंगल। यहाँ पे कोई दिया नहीं है और यहाँ 7 7 दिया है, तो दिया नहीं है तो हमको पता नहीं है तो हम उसको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन दो का तो पता है ना, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर 5.2 5.2 5.2, ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स इक्वल। 3 7 एंड 3, ये दो इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और लास्ट है 6 एंड 6, यहाँ पे भी दो ही इक्वल है तो ये भी हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब दूसरा तरीका कौन सा है? बेस्ड ऑन एंगल्स, तो एंगल्स देख के हम इनको नाम देते हैं। देखो ये तीनों एंगल्स एक्यूट है, 90 से छोटे, देखने से ही पता चल रहा है, तो दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर ये राइट सिंबल दिया है राइट का, ऐसे समझ में भी आ रहा है कि राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो 90 से बड़ा, ऐसे चौड़ा हो रहा है ना, 90 से ये चौड़ा हो रहा है बड़ा, तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये तीनों एक्यूट है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका रिवीजन हो गया स्टैंडर्ड 6 का। अब हमारा नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। अब मीडियंस देखो, हम डेटा हैंडलिंग में मीडियन आता था तो हमारा क्या होता था, बीच वाला नंबर है ना, ऐसे अरेंज करते थे असेंडिंग में, और बीच में जो नंबर आता था तो उसको हम मीडियन बोलते थे। अब यहाँ पे भी देखो, ट्राइंगल होता है ना, आप लोगों को मैं देखो कटिंग करके लाइए, मैं आपको इसके मीडियन दिखाती हूँ। तो ये ट्राइंगल है तो इसके हम मीडियंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मीडियन? क्या होता है, तो जो वर्टेक्स होती है, तीन वर्टेक्स है ट्राइंगल की, तो वर्टेक्स से सामने वाली ऑपोजिट साइड के बीचों बीच जाने का, कहाँ जाने का? बीचों बीच जाने का। मतलब अगर ये वाली साइड इसका मेजरमेंट है, मेरी ये साइड है 10 सेंटीमीटर की, तो मैं ऐसे 5 के ऊपर डैश करूँगी और इसको बीचों बीच ले जाऊँगी, तो ये हो गया एक मीडियन। अब टोटल कितने मीडियन होंगे ट्राइंगल में? 3 मीडियन, क्योंकि हर एक वर्टेक्स से वो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना ऑपोजिट साइड के ऊपर। अब देखो ये वाली साइड जो है वो है 13 सेंटीमीटर की, तो मैंने ये ले लिया 6.5। अब 6.5 के ऊपर मैं लेके जाऊंगी बीच में, सामने ऑपोजिट साइड पे बीच में, तो वो हो जाता है मीडियन।
और थर्ड वाली वर्टेक्स भी बीच में ही जाएगी। तो ये है मेरा, ये भी 13 है तो 6.5, ये भी 6.5 लिया था मैंने, ये भी 6.5, तो वर्टेक्स से ज्वाइन करूँगी, ये हो जाएगा मीडियन। अब देखो समझ में आया, इस तरह से वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में बीचों बीच मिडल में जाने का उसको बोलते हैं मीडियन। ये मैंने 3 मीडियन बनाए लिए, ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं, 3 मीडियंस, ठीक है। तो ये अपना मीडियन हो गया। अब मीडियन सारे इंटीरियर में ही होते हैं, बराबर ट्रायंगल के अंदर होते हैं मीडियंस। अब दूसरा टॉपिक है अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। अब अल्टीट्यूड क्या होता है पता है, देखो उसके लिए भी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अल्टीट्यूड देखो, इसमें भी तुम लोग देख सकते हो, एक मिनट। अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ऑपोजिट साइड पे तो ऐसे बहुत सारी लाइंस जा रही है, लेकिन इसमें से अल्टीट्यूड कौन सा, जो बीचों बीच जाएगी वो तो मीडियन, वो हमको पता है। तो अल्टीट्यूड कौन सा, अल्टीट्यूड वो लाइन सेगमेंट जो यहाँ बिल्कुल सीधा जाएगा। देखो ये मीडियन तो टेढ़ा भी होता है, लेकिन ये सीधा बिल्कुल, जैसे ऊपर से गिरेगा ना तो सीधा नीचे, कोई भी ऐसे यहाँ से उसने कुछ फेंका, पत्थर फेंका ए के ऊपर से सीधा फेंका, तो कहाँ जाएगा वो पत्थर, सीधा नीचे जाएगा। और यहाँ राइट एंगल बनेगा, मतलब सीधा जाएगा, मतलब राइट एंगल बन गया ना यहाँ पे, तो जो सीधी लाइन जाएगी वो ही होता है ट्रायंगल का अल्टीट्यूड, पता चला। अब यहाँ पे वो ही बोल रहा है कि यहाँ तो बहुत सारी लाइन है, लेकिन ये ए एल जो है वो ही है उसका अल्टीट्यूड है। तो आप ये मीडियन और अल्टीट्यूड के बारे में ध्यान में रखना। अब तीनों टाइप के जो ट्रायंगल होते हैं ना, उसके अल्टीट्यूड के बारे में बहुत मजेदार बातें हैं, देखो हम देखते हैं। अब जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो ये अल्टीट्यूड ए से यहाँ आया, बराबर बी से भी वो ऐसे ऐसे सीधा जाएगा तो यहाँ कहीं आएगा, और सी से वो यहाँ कहीं आएगा, बराबर, जैसे है ना, ये सीधा गिरेगा तो यहाँ गिरेगा, इसको मैं ऐसे करूँगी तो ये कुछ यहाँ गिरेगा, है ना, तो ये उसका अल्टीट्यूड हो जाएगा। ऐसे स्ट्रेट इसकी लाइन देख सकते हो कि ये लाइन सीधी होनी चाहिए स्केल की, तो ये इसका अल्टीट्यूड हो गया। फिर इसको ऐसे अगर मैं रखती हूँ और ये वर्टेक्स से शुरू करती हूँ, तो ये जो लाइंस है ना उसको आप मैच कर सकते हो अपने पेपर से, तो ये पूरी सीधी लाइन, ये देखो, देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि अल्टीट्यूड बीच में आए, अल्टीट्यूड बस सीधा आना चाहिए, यहाँ राइट एंगल बनना चाहिए। और अगर मैं ऐसे करती हूँ तो अल्टीट्यूड यहाँ, तो ये हो गए एक्यूट एंगल ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड। अब यहाँ दिखाया है राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी अलग है, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे तो अल्टीट्यूड यूँ सीधा अंदर की साइड एक बनेगा, लेकिन अगर मैं ये ट्रायंगल को ऐसे रखूँगी और ये वाले वर्टेक्स से मैं अल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगी, तो ये तो क्या हो गया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड ही है ना। हाँ समझ में आ गया, मतलब अल्टीट्यूड ही उसकी साइड है, बराबर है, वेरी गुड। फिर मैं ये ट्रायंगल को यूँ घुमा रही हूँ, फिर ये वर्टेक्स से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे, तो ये भी तो उसकी साइड है, वेरी गुड, समझ गए। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में दो अल्टीट्यूड उसकी साइड ही होते हैं, सिर्फ एक अल्टीट्यूड ही अलग होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात है। और थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये वाला, अब इसकी तो अलग ही कहानी है, देखो इसके अल्टीट्यूड तो ट्रायंगल से बाहर ही निकल गए, देखो है ना इंटरेस्टिंग, कैसे देखो हम देखेंगे। अब मानो ये जैसे इसने रखा है ना मैंने, ठीक है पहले मैं ऐसे, हाँ इसके जैसे ही रखते हैं ये वाले फिगर की तरह, तो ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब ये जो वर्टेक्स है उससे मैं यूँ सीधा नीचे ड्रॉ करने जाऊंगी, बिल्कुल ये जैसे यहाँ से मैंने पत्थर फेंका, यहाँ मैं खड़ी हूँ टोच पे
और यहाँ से मैंने सीधा पत्थर फेंका तो ऐसे टेढ़ा तो नहीं जाएगा ना, वो जाएगा सीधा यहाँ, तो वो तो ट्राइंगल के बाहर चला गया। तो ये जो जाएगा अल्टीट्यूड, इट विल बी आउटसाइड द ट्राइंगल, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में अल्टीट्यूड आर आउटसाइड द ट्राइंगल, बाहर की साइड होते हैं। इसी तरह अगर ये वाले ट्राइंगल को मैं ऐसे घुमाऊंगी और ये वर्टेक्स होगी तो उसका अल्टीट्यूड यहाँ जाएगा, बराबर। पहले ऐसे किया, फिर ऐसे, और फिर एक यूँ जाऊंगी तो फिर इसका अंदर आएगा, बाकी दो अल्टीट्यूड उसके ट्राइंगल के बाहर होंगे। देखो इंटरेस्टिंग है ना, तो ये तीनों ट्राइंगल के बारे में याद रखना है। अक्यूट एंगल में तीनों अल्टीट्यूड अंदर, राइट एंगल में दो अल्टीट्यूड उसकी दो साइड, और ऑब्ट्यूज में दो अल्टीट्यूड उसके बाहर की साइड जाएंगे। ओके, तो ये था एक्सप्लेनेशन। अब एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, छोटी सी एक्सरसाइज है, बराबर। अभी हम कर लेते हैं, आज के दिन में इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज 6.1, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्या है इन द ट्राइंगल पी क्यू आर, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब जो डी है ना वो मिड पॉइंट है, मतलब क्यू और आर के बीचों बीच में डी है, उसने ऐसा हमको बोल दिया। तो पी एम इज, अब पी एम क्या होगा, देखो वो बता रहा है राइट एंगल, मतलब पी एम जो है वो उसका अल्टीट्यूड है, बराबर। तो आप लोग लिखोगे ब्लैंक वन में, लिखो नोट में लिखना है, ठीक है बेटा, ये ड्रॉ भी करना है और फिर ये पूरा लिखना है। तो पी एम, लाइन सेगमेंट पी एम इज एन अल्टीट्यूड, राइट एंगल का सिंबल दिया है, मतलब वो अल्टीट्यूड है। तो ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन वन है ये। और पी डी इज डैश, पी डी क्या है, उसने पहले ही बोला कि डी इन दोनों के बीच वाला पॉइंट है, तो पी डी हो जाएगा ना मीडियन, बीच वाले पॉइंट के जो ज्वाइन करता है वर्टेक्स उसको बोलते हैं मीडियन, तो वो ब्लैंक में आएगा मीडियन। इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, नो नहीं है ना, क्यू एम और एम आर तो कहाँ इक्वल है। अब ड्रॉ रफ स्केचिज फॉर द फॉलोइंग, ड्रॉ रफ स्केचिज फॉर द फॉलोइंग, इसके जो हमको क्वेश्चन दिए उसके हमको स्केच बनाना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन टू ए, इन ट्राइंगल ए बी सी, आप लोग लिखना क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज अ मीडियन। अब ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें हमको बी उसका मीडियन दिखाना है, तो इजी ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करेंगे। अब ट्राइंगल तो ड्रॉ करना इजी है, पर उसके नाम कहाँ लिखने हैं वो आपको सोचना पड़ेगा पहले, ठीक है बेटा। तो वो ध्यान से, जो ए बी सी ए कहाँ रखना है, बी कहाँ रखना है, वो सोच के रखना आप लोग। ऐसा हो ना तो एक बार पेंसिल से रखना, गलत आए तो इरेज करके फिर से कर सकते हो। बी इज अ मीडियन, बी ई मीडियन बताना है, तो हम बी यहाँ दिखाएंगे तो बी को हम ऊपर रख देते हैं, तो ए बी सी है ना, नंबर कैसे भी हम नाम लिख सकते हैं, तो हमने ऐसे लिखा ए बी सी और बी ई उसका मीडियन है। इसका मतलब मीडियन है मतलब जो ए सी का मिड पॉइंट है ना, ए सी है मेरा 6 सेंटीमीटर, तो उसका यहाँ आएगा उसका मिड पॉइंट बीचों बीच। अब मैं B को C यहाँ ज्वाइन करूँगी मिड पॉइंट से, तो ये B क्या नाम देना है, बी ई, ये बी ई इज अ मीडियन, हो गई ना फिगर। तो आप लोग भी अपने आप से मेजरमेंट लेना और जो आपकी ये साइड है उसका बीच वाला मिड पॉइंट लेके उसको ज्वाइन करना, तभी आपका मीडियन राइट आएगा, बराबर। सबके अलग अलग मीडियन मेजरमेंट होंगे तो अलग अलग से आएगा, सबका 3 सेंटीमीटर पे नहीं आ जाएगा। तो ध्यान से अपना दिमाग यूज करके करने का, कॉपी नहीं करने की बेटा। चलो क्वेश्चन टू, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर आर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल पी क्यू आर है, जैसे ऐसे कोई भी ट्राइंगल मानो कि पी क्यू आर है, पी क्यू आर। अब ये क्या बोल रहा है पता है, कि क्यू आर एंड पी आर, QR भी एक साइड है और PR भी उसकी साइड है,
वो ही उसकी अल्टीट्यूड है। अब मैंने आपको समझाया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में उसकी दो साइड उसके अल्टीट्यूड होते हैं, इसका मतलब हमको यहाँ बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ना मैंने, और नाम क्या देंगे, दिख रहा है ना आपको, बता। देखो नाम पे ही आपको खास ध्यान देना है, मैंने बताया ना आपको। अब पी क्यू एंड पी आर आर अल्टीट्यूड, तो यहाँ पे पी क्यू एंड पी आर, तो मैं क्या करूँगी, पी यहाँ रख दिया, क्यू यहाँ रख दिया, आर यहाँ, तो पी क्यू एंड पी आर दो साइड हो गए। तो ये सोच के करना है आपको, आप कुछ अलग करोगे तो फिर उसकी अल्टीट्यूड और साइड सेम नहीं होगी। तो पी क्यू एंड पी आर आर अल्टीट्यूड, तो आप लोग लिख दोगे, क्वेश्चन तो आपने लिखा ही है ना, बस तो फिर ये हो जाएगा आपका। और फिर है सी वाला, सी वाला क्वेश्चन लिखोगे, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अब मैंने आपको क्या बताया था, कौन से ट्राइंगल में उसका अल्टीट्यूड एक्सटीरियर बाहर होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। तो हमको यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, और ये पूरा बनाऊंगी, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन गया। अब क्या हो गया, इसमें सिचुएशन क्या है हमारी, एक्स वाई जेड नाम लिखना है, और वाई एल इज एन अल्टीट्यूड इन द एक्स। अब वाई एल बाहर की साइड, देखो ये अल्टीट्यूड बाहर जा रहा है, उतना तो हमको अभी समझ में आ गया कि ये वाला अल्टीट्यूड उसका बाहर जाएगा, बराबर। इसको ऐसे डैश डैश बनाना है, मतलब इमेजिंग करना है, ये एक्चुअल में ऐसे डैश करते हैं, मतलब इसका ये अल्टीट्यूड बाहर जा रहा है, और वाई एल उसका नाम है, मतलब ये वाई वाई तो एंगल ही है ना एक, तो वाई ये और एल यहाँ रख दो। अब एक्स और जेड लिख दो, एक्स वाई जेड, तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया जिसमें अल्टीट्यूड वाई एल ट्राइंगल से बाहर है, बराबर। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, Verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same। अब अपने को चेक करना है कि isosceles triangle में अगर हम median draw करते हैं और एक altitude draw करते हैं तो क्या दोनों same हो सकते हैं। तो देखो चेक करते हैं, अब मानो कि isosceles है ना, मतलब दो साइड इक्वल है, मैंने जैसे ये दो साइड इक्वल है, कौन से दो साइड, दिस एंड दिस आर इक्वल, ये वाली लंबी है, तो ये दोनों इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। अब क्या बोल रहा है, वेरीफाई करना है कि उसका मीडियन। अब देखो ये वाले वर्टेक्स से हम मीडियन लेते हैं, तो ये एक सेंटीमीटर है, तो बीचों बीच फोर पे आ जाओ, तो ये हो गया उसका मीडियन। और अगर मैं अल्टीट्यूड लेती हूँ तो भी ये ऐसे बीचों बीच ही आएगा, ऐसे सीधा मुझे ऐसे मैं 90 डिग्री बनाई ना मैंने, तो ये भी उसके ऐसे सीधे ही आया। तो इधर हम लिख सकते हैं हियर इन, नाम दे दो ए बी सी और इसको दे दो डी, तो हियर इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी इज अ मीडियन एंड ऑल्सो एन अल्टीट्यूड। जो बी डी है वो मीडियन भी है और अल्टीट्यूड भी है, दिस इज ऑल्सो अल्टीट्यूड, और मीडियन है मतलब ये ए डी और डी सी की साइज सेम है, बराबर। इस तरह से सिंबॉलिकली सब हम लिखते हैं ज्योमेट्री में, बराबर बेटा। तो आज के लिए इतना, इसको अब अच्छे से समझ लेना, फिर आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।